मैं गिल्लां दा पुत्त है, नाखां दा रहण वाला जट है, इस्माइल गिल दा पोतरा है। अंबरसर तो उठे सी, सत पिंड सन साडे, ते उत्थे डजकोट फैसलाबाद जाके सत दे सत पिंड बैठे ने। ए जिड्डी तुहाडी पूरी सल्तनत है ना, मेरे सत पिंड आ गए ते रुड़ जाणी है। इसलिए तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुत्त है तुहाडी मंजी पीढ़ी, उत्थों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रहिण। और सफदर दी बुढ़ी मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रख्या होया है, ओदी रन मरियम नूं मेरा अज पैगाम है। अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा, और तुहाडे घरों ही पानी भर के अपना मूंह धोवांगा। मेरा कसूर अज दा इह कि मैनूं मौजज़ अदालत ने सद्या, ते मैं तुहाडे तरह मेरी कमर च दर्द नहीं होई। ऐसियां भैड़ियां कमरां ने तुहाडियां कि जिस वेले अदालतां सदीन का जो लीडर है वो है जो मुल्क को गंदी गालियां देता है। वो नवाज शरीफ से ये काम शुरू हुआ, ते आके जिहड़ियां स्टपनियां ने इन्हां दियां जवे लतीफ वर्गियां, जिन्हां नूं घर कोई दूसरी बारी मंगण दे उत्ते साल ना देवे। वेखो चवल भी मुल्क दे खिलाफ बयान दे रहे ने, वो कह रहे ने पाकिस्तान जिंदाबाद दा नारा नहीं लावांगा। और मूर्खा तैनू किसी ने शेखपुरे तो नहीं निकल देना घरों बाहर, ते तू पाकिस्तान के खिलाफ नारे लाने की गल कर रहे हैं। पाकिस्तान साढ़े दादे बाबिया ने हिजरत करके अपनिया मावा भैणा दे गाटे उतरवा के अपनी जमीन, मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही थी जिस वेले पाकिस्तान बनदा ऐलान होया, ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड के आ गई सी इत्थे। असी अपने भड़े भरे हुए घर, अपने डंगर, अपने वेलने चलदे हुए छड के आ गए सां। कानूनी कार्रवाई मरियम को करेंगे इसके अंदर नॉमिनेट आज के इस वाक्य पर? असी अगे हुणे तुहानू दस्सिया कि मैं जट्टां दा पुत्तर है, जट जनानियां दे परचे नहीं कराउंदे।